एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइज मैं आपको वाओ स्किन साइंस ब्रांड के चारकोल एंड कैरेटिन शैम्पू के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये शैम्पू आपके बालों को किस तरीके से फ़ायदा देगा। डिटेल में आज गाइज इस शैम्पू का अपन रिव्यू करेंगे। तो गाइज इससे पहले के कई वीडियो में मैंने आपको इस ब्रांड के प्रोडक्टों का रिव्यू किया है। आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानते भी हैं, काफ़ी जाना माना ब्रांड है जिसको कई लोग बाग इसके प्रोडक्टों को परचेज भी करते हैं। पर गाइज ये थोड़े ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट बनाता है, इसके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे होते हैं जिसको हम जैसे आम लोग परचेज नहीं कर पाते हैं। पर गाइज इसके बेनिफिट वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। तो बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइज ये जो शैम्पू है एक्टिवेटेड चारकोल कैरेटिन शैम्पू, इसका उपयोग आपके बालों के सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में किया जाता है। गाइज अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर आपके बाल डैमेज हैं या बालों में डेंड्रफ है, जड़ों से कमज़ोर हैं आपके बाल, तो इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके बालों को मजबूत बनाता है, हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है, आपके जो हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उसे रोकता है। इसके अंदर गए किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है जो आपके बालों को डैमेज करे, बल्कि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो कि आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और एक अलग ही प्रकार की शाइन देते हैं, आपके बालों को मजबूत करते हैं। तो इसके अंदर गए इंग्रेडिएंट के रूप में एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और जोजोवा ऑयल इसके अंदर प्रेजेंट है। चारकोल जो होता है गाइस, जो आपके डेड सेल होती हैं जो बालों की जड़ों में, उनको रिमूव कर देता है और नई सेल लेके आता है। एलोवेरा के बारे में तो आप जानती हैं गाइस, जो कि मॉइस्चराइज प्रदान करता है। तो गाइस ये आपके बालों की जड़ों को मॉइस्चराइज प्रदान करता है जिसके कारण आपके बालों की जड़ें मजबूत बनी रहती हैं। और गाइस इसके अंदर जोजोबा ऑयल प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है कि आपके बालों की जो थिकनेस है उसे बढ़ाने में मदद करता है, प्रमोट करता है, और जो बालों का टूटना जो होता है, जो ऐसे कि आपके बाल बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, उसे भी रोकने में मदद करता है, उसे रिड्यूस कर लेता है। इसको गाइस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जिस तरीके से आप अन्य शैम्पूओं को इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से लेना है, स्मॉल अमाउंट में इसको लेना है और इसे 2-3 मिनट तक अपने बालों में करते रहना है, इसको बालों की जड़ों में, और अपने बालों को धो लेना है। जैसे कि आप अन्य प्रकार के शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ये गाइस आपके बालों को हाइड्रेट करेगा और आपके बालों की जितनी भी समस्याएं उनको दूर करेगा। इसके साथ साथ ही गाइस आप अपने बालों की जैसी भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं वैसी ही हेयर स्टाइल आपको मिलेगी। इसका गाइस कंडीशनर भी आता है, अगर आप इसका कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहें शैम्पू करने के बाद, तो आप कंडीशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे गाइस इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कंडीशनर इस्तेमाल करना, क्योंकि ये ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज प्रदान करेगा, डैमेज फ्री बाल बनाएगा आपके, और आपके जो डेड सेल हैं उससे भी उनको भी हटा देगा। और गाइस इसका प्राइस है 339 रुपये। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन इसकी साइट पर जाके, या आप इसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइस आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है। और गाइज अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक भी शेयर की हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइज बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइज अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।